इसी के साथ समय हो गया है खबर दुनिया में खास खबर का, और वो खबर जो कि सीधा करती है असर, डालते हैं उसी पर नजर। कोरोना महामारी बन के छा रहा है, लोग घर में बैठे हुए हैं, इसके साथ साथ ही जंगली जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। कहा जाता है कि गर्मियों में जंगलों में गर्मी बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ खाने पीने की पानी की तलाश में जीव जंतु कई बार रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। तो अभी घने रिहायशी इलाके में जीव जंतु नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के रिहायशी इलाके विजयनगर कॉलोनी में कई लोगों ने दावा किया है कि कई फीट लंबा अजगर देखा गया है, और लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया है जो कि सोशल साइट पर डाल दिया गया है। तो गुरुवार को हैदराबाद के कांटेदान इलाके में तेंदुआ दिखने से काफी लोग दहशत में थे। उसके बाद गोलकुंडा क्षेत्र में एक ब्लैक लियोपॉड की बात कही जा रही थी, जो कि हालांकि जंगली बिल्ली निकली। और इसी बीच अब खबर आ रही है कि हैदराबाद के रिहायशी इलाकों में विजयनगर कॉलोनी वाले इलाकों में कई लोगों ने अजगर देखा गया है, जिसके चलते लग रहा है कि आसपास जो रिहायशी इलाके हैं उनसे ये जंगली जानवर शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता था और दिन रात शहर के चारों तरफ भीड़ रहती थी, लोग तुरंत देख लेते थे जंगली जानवरों को। अब जंगली जानवर सूनी रोड पाकर और पूरी तरह से सन्नाटा देखकर शहरों में प्रवेश कर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लंबे समय से कब्रिस्तान में ही अजगर छुपा हुआ था और अब गर्मी के चलते बाहर निकल आया है। बता दें कि यहाँ पर पास में ही कब्रगाह है और लोग कहते हैं कि अजगर वहीं रहता था। अजगर दिखने के बाद हैदराबाद की हुमायूं नगर पुलिस को ये खबर दी गई। विजयनगर कॉलोनी के लोगों में दहशत है, कोरोना वायरस के बाद अब जंगली जानवरों का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि जो तेंदुआ नजर आया था उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। तेंदुआ पकड़ने के दौरान शमशाबाद के निजी फार्म हाउस में घुस गया था। वन अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बेहोश करके पकड़ लिया है, और इस दौरान उसको जो मामूली चोट आई थी उसका उपचार करके पुनः जंगल में भिजवा दिया गया है।